But yeah, um, in India, there have been n number of uh, Dalits and tribals and uh, Muslims in, behind the bars, without trial, without anything, under so many harassments, not even FIRs lodged. In many cases. Therefore, I want to ask you in uh, this Batla when we are speaking, uh, one person who was also, who was also termed by the police that he is also part of some organization which is banned in India and uh, the, he was charged on various levels he went to the elections and uh, now he's behind the bars now but when the elections was there he had a sloganeering also he had some agendas so that could you like to speak uh, one is about what was this person and why he what happened to this in particular to this batla and the other thing is also how do you see the innocent Muslims uh, students

लेकिन आ, उनके घर वालों ने मैं कुछ बच्चों को ऐसे जानता हूँ जिनकी पढ़ाई वहीं ड्रॉप हो गई वो दोबारा यहाँ वो दिल्ली नहीं आ सके उनके घर के लोगों ने अलाउ नहीं किया इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई दूसरी चीज़ें कि हमारे बहुत सारे नन मुस्लिम फ्रेंड्स जो है वो इस हमारे इस इलाके में आके रहने लगे थे वो डर भी जो है कहीं ना कहीं लोगों में आ गया कि उन्होंने यहाँ आके रहना छोड़ दिया हमारे नन मुस्लिम फ्रेंड्स हमारे दलित फ्रेंड्स जो है जो इस एरिया में रह रहे थे वो नहीं हुआ उसके बाद से ये हुआ कि सिर्फ़ दो बच्चों की मौत का सवाल नहीं है उसके बाद से तकरीबन 19 बच्चों को गिरफ़्तार किया गया है जो देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। उनमें से एक रहमान भी है और रहमान भी जो है वो जामिया का स्टूडेंट था और उसने जो है वो यू भी इलेक्शन होता है एमसीडी दिल्ली का यहाँ के लोगों ने यह तय किया कि हम जो है उसको इलेक्शन लड़ाएंगे और जिताएंगे तो जो है वो इलेक्शन मैं उठा और उसने नॉमिनेशन किया पहले तो नॉमिनेशन पे सवाल हुआ बहरहाल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसका नॉमिनेशन किया जाए उसका नॉमिनेशन हुआ और वो इस इलाके का एक कैंडिडेट जो है वो बना लोगों ने जो है किया लेकिन अब इससे सरकार जो है कहीं ना कहीं घबराई कि अगर वो जीत जीत जाता है जीत जाता है तो एक बहुत ही ऐसा मैसेज आएगा कि एक सोकॉल so टेररिस्ट जो है वो इस इलाके का काउंसलर है और लोग जो है वही मैसेज देना चाह रहे थे कि वो इनोसेंट है वो जो है वो टेररिस्ट नहीं है तो इसलिए वो इलेक्शन लड़ा था आ, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी शायद नहीं थी कुछ सौ वोट से सिर्फ़ और सिर्फ पाँच सौ कुछ वोट से जो है वो हार गया और यहाँ कांग्रेस के जो सिटिंग काउंसलर थे उनकी जीत फिर से हो गई देखिए बात जो है वो सिर्फ़ मुस्लिम्स की नहीं है आप पूरे देश में देखिए चाहे वो मेधा पाटकर का इशू हो चाहे वो सोनी सोरी का इशू हो या जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि जिसने भी गवर्नमेंट के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पर लोगों के इशूज़ पर अगर बोलने की कोशिश की है तो हमेशा उनको दबाने की कोशिश हुई है मैं चंपारण से हूँ मैं एक ऐसी आ, बस्तियों में अभी गया था वहाँ आदिवासियों की पूरी बस्ती है थारू जनजाति थारू जो है आदिवासी हैं तो वो पूरा जंगली इलाका है जंगल है वहाँ फॉरेस्ट एक्ट के नाम पे उनके साथ इतना जुल्म है कि मुझे लगता है कि वैसा जुल्म जो है वो कश्मीर में भी नहीं होगा और नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होगा वहाँ के जो है दलित औरतों के साथ जो है आदिवासियों के साथ वहाँ के ऑफ़िसर्स जो है अगर वो लकड़ी चुनने गल गई है जंगल में उसको उठा लिया उसके साथ जो है रेप किया उसको फिर ला फेंक दिया उसके साथ में धमकी दी कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो हम तुम्हारे ऊपर केसेस लगा देंगे फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये कर देंगे वो कर देंगे तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं सवाल ये है ये नहीं है कि आप जैसे कि इशू उठा रहे हैं अगर आप अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं तो आप पे दहशत गर्दी का आप पेर टेरिज़म का चार्ज लगा दिया जाएगा अगर वो बंदा नन नन मुस्लिम है हिंदू है तो उस पर नक्सलीज़म का चार्ज लगा दिया जाएगा तो ये हो रहा है देश में इस पर जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है See, one thing, let me put it very openly. I I don't know, uh, you were speaking on this, there are some issues where Dalits have space to address. But I have to disagree with that. Anyway, let us, I don't want to interfere in that part. But I want to ask you one thing. Tell me very openly, you have, the, and this is you and the Muslim community in India, left movements are coming out openly and supporting when reservation comes, Muslim, Muslim, Muslim issue.

हमारे कम्युनिटी में जो है वो एजुकेशन नहीं है हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो कॉलेज में नहीं जा रहे हैं स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं आप अपने मलाला की बात की आप सोचिए कि उसने बस एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई आज वो हीरो है लेकिन हमारे इंडिया में वैसे मलाला कई हैं लेकिन कभी किसी पे नज़र गई नहीं बहरहाल वो बहुत सारे चीज़ें हैं बहुत सारे इशूज़ हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी कहीं ना कहीं जो है हमारे कम्युनिटी को हमें हमारा काम होना चाहिए कि हम उनको अवेयर करें हम बताएं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है लेकिन हमारे कम्युनिटी में इतना ज़्यादा मुल्लावाद है जो मौलवीज़ है वो बहुत गलत करते जा रहे हैं अब ये बताइए कि आप अगर लड़कियों को ये कहेंगे कि तुम पढ़ाई मत करो और साथ में ये भी कहेंगे कि हम लेडी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं हाउ इट्स पॉसिबल कैसे पॉसिबल है कैसे, कैसे मुमकिन है जब लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगी अब जो है नॉर्मल सी बात है ये कहा जाता है कि माँ जो है वो पहली पहला स्कूल है बच्चा जो है उनकी गोद से सीखता है तो जब माँ पढ़ी लिखी ही नहीं होगी तो कैसे होगा तो हमारे आ, जो है वो हम हमारी कम्युनिटी जो है वो मदरसों में फंसी हुई है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल पढ़ना चाहिए लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमारे लिए मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है वो हमेशा से मॉडर्न एजुकेशन के पक्ष में रहा है उसके फेवर में रहा है अगर हम हदीस की बात करें तो हमारे यहाँ एक हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे वो चीन जाकर इलम हासिल करना पड़े ऑबियस ये बात है कि उस टाइम जब मोहम्मद साहब थे तो उस टाइम जो है वो मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ चीन में ही था वहाँ कोई इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लोग नहीं जाते थे तो ये सब बातें हमारी कम्युनिटी को समझनी होंगी कि हमारे लिए एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमें अवेयर होना होगा हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा बहुत सारे साथी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आप सोचिए कि बटला हाउस का इशू है वो बटला हाउस में आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कब तक करेंगे आप मैं बता दूं कि इसी फोर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ आयशा ने किया प्रोटेस्ट किया एस ने प्रोटेस्ट किया लेकिन पूछिए कितने लोग थे मुश्किल से सौ हंड्रेड पीपल्स होंगे उससे ज़्यादा लोग आया नहीं बस वो अपनी घरों में छतों से जो है देखते हैं उनको डर लगता है कि मैं भी अगर शामिल हो गया तो पता क्या होता है तो हम भी टारगेट हो जाए तो ये डर जो है वो लोगों के दिलों से निकलना बहुत ज़रूरी है